जय बाबा की भाई सारे ने स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नरसिम्हा द जाट पे। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है मूर्ति स्थापना के लिए दीपलाना गांव में आ रखे हैं। कल बाबा जी मंदिर आ गए थे, बहुत धूमधाम से आपको लाइव चमत्कार भी दिखाए थे। आज पहला दिन है मूर्ति पूजन का, फर्स्ट डे, तो वो मैं आपको सभी को अच्छे ढंग से दिखाऊंगा। क्या कहना चाहते हो पिताजी? भाई अब पूजा का टाइम हो गया, नहा धो के अभी मंदिर में जाने लग रहे हैं, पूजा का आनंद लेंगे भाई। बाबा के सेवा भाई मौका दिया है बाबा ने, बहुत अच्छा मौका दिया। हम देखिए भगवान सबको ऐसा मौका दे और जीवन में आए थे कोई ना कोई ऐसे अच्छे काम करके जरूर जाए। किसी का बुरा ना करे, सबका भला ही भला करे। Hallelujah.
आप लोगों का दोनों हाथ जोड़ते हुए ओम शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टि वर्धनम आत्म तत्व प्रबोधाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम Yeah.
के साइड में है, पूर्वी वेदायन में है, दक्षिणी अधर्वेदायन में है, पश्चिम साम वेदायन में है, उत्तर अधर्वेदायन में है, मध्यम अपापदेव नाय नमः आवहयामि स्थापयामि बोधयामि। ओम कालेह पाद्यं हस्तयोरग्यं मुखे आत्मीयं सलांगे सुस्नानं समर्पयामि। तामन्ते पञ्चमे पञ्चनद्याः सरस्वते माते अन्ते सत्रो स्नानं समर्पयामि। वसाः पवित्रमस्य सतधारं वसाः पवित्रमस्य सहजधारं देवसाधविता पुरातु वसाः समर्पयामि। वस्तान्ते आजनाकं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं कर्मं पवीतं प्रजापतिं यस्याजं पुरस्तात् आयुष्यमङ्गलं पतिवर्षो सुखं यज्ञोपवीतं ज्ञातं जलं समर्पयामि। तां गन्धर्वा अघनस्वामिं दत्तां देहद्वते कामाकरे चाबालाजा सुमादमुच्यत अच्छन्नमीमदन्तावप्रिया अतोकत अस्तोकत Yeah.
ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय
सभी देवी देवताओं के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् आत्मभिमन्दनम् देवाभिमन्दनम् आरतिका हरि ओम् तदेन यजमय जयन्त श्री करो था
बोले गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, शिव परिवार की जय हो। जो आपने पूरा जो अपना आप सब जवान ने पूरा
जब तक घट में प्राण। आओ जी हनुमंत जी विराजिए, कथा होत इतिहास, तुम पायक श्री राम के हम चरण के दास। रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सांवरिया सेठ की, नरसी जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, गोगा जी महाराज की, श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, गीता गंगा गौ माता की, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। शंभो। सभी दो मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करके उसके बाद मायरा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि भगवान के नाम का कीर्तन करने का बहुत बड़ा महत्व है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरै भव पारा। ये जो युग चल रहा है ये कलयुग है, इसमें भगवान के नाम का कीर्तन करने का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे एक बार फिर निवेदन है कि बीच में कोई भी बातें ना करें, भगवान के नाम का जप करें, राम राम का करें, नमः शिवाय का करें, अपने गुरुदेव ने जो नाम दिया है उसका बैठ के जप करें। क्योंकि जब घर छोड़ के सारे काम धंधे छोड़ के अब यहाँ पे आ ही गए हैं, तो भगवान में इतना समय लगाने का प्रयास करें कि एक घड़ी आधी से पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कि सत्संग की एक घड़ी बहुत काम आने वाली है। जो माता बहन भाइयों, हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे गांव के दादा श्री जार वीर गोगा जी महाराज का ये स्थान है। इस स्थान में हमें भगवान श्री कृष्ण के परम लाडले भगत श्री नरसिंह जी महाराज की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम लोगों के बीच में दिल्ली से जो बहन जी आए हैं, श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज के परम भगत है, परम शिष्य है, ऐसे संत महापुरुष मिलना बहुत कठिन है। ऐसे लोगों के बीच में कथा सुनने का जब सौभाग्य मिले तो ये समझना कि परमपिता परमात्मा की हम पे असीम अनुकंपा हुई है। दो मिनट भगवान के नाम का पावन आश्रय लेते हुए उसके बाद मायरा में प्रवेश करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद।
भोग लगना चाहिए है, और रात में ठाकुर जी ने सैन कराना चाहिए और सुबह ठाकुर जी ने उठा के स्नान कराना चाहिए, तो ठाकुर जी का मंदिर वो नियम वो है। शंकर भगवान का कोई नियम नहीं, एक लोटो जल चढ़ायो तो भोलेनाथ खुश है। तो शंकर भगवान का मंदिर हो और नरसिंह जी महाराज देखो तो मंदिर है, मंदिर में जाके शंकर भगवान का दर्शन करा, नरसिंह जी महाराज प्रणाम कर गए और शंकर भगवान को प्रार्थना करी तो भोलेनाथ अगर तुम मैंने दर्शन देवा हो तो मैं खड़े होऊंगा, नहीं तो मैं ही आपका प्राण त्याग दूंगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करके भोलेनाथ अगर तुम मैंने दर्शन देवा हो तो मैं खड़े होऊंगा, नहीं तो मैं अठे ही आपका प्राण त्याग दूंगा। तो नरसिंह जी महाराज भगवान शिव के मंदिर में बैठ गया, समाधि लगा के माता बहन भाइयों 7 दिन और 7 रात होगी, नरसिंह जी महाराज भी बैठे। देखो भगवान के विश्वास पर नरसिंह जी महाराज बैठा है, 7 दिन हो गया शंकर भगवान सोचे हो, ओ भगत 7 दिन 7 रात होगी, ना कोई अन्न लियो है ना कोई जल ग्रहण करो है, अगर मैं दर्शन नहीं देऊंगा तो मैं भगत को श्राप लग जाती। तो माता बहन भाइयों अब शंकर भगवान नरसिंह जी महाराज ने दर्शन दिया, शंकर भगवान ने दर्शन दिया, शंकर भगवान जिए ही दर्शन दिया, नरसिंह जी महाराज शंकर भगवान की तीन प्रकार पूजा कर रहा है, जल रही पत्री चढ़ा रहा है। मैं तो शिव ही शिव ने जाओ जल से Thank you.
और सात रात नरसी जी महाराज भगवान शिव की भक्ति करी, तपस्या करी, तो शंकर भगवान नरसी जी महाराज के सामने प्रकट हो गया। जी नरसी जी महाराज के सामने शंकर भगवान प्रकट होया तो शंकर भगवान पूछो कि नरसी तने के चाहिए। तो नरसिंह जी महाराज कोई धन और दौलत नहीं मांगो, ये बताओ माताओं तो तेज या शिव जी की मूर्ति स्थापना करा दी सारा सामने शंकर भगवान कभी प्रकट हो गए तो नहीं मांगो आप लोग मांगे को पहली भक्ति ज्यादा भगवान को हार रहा बेटा हो जाए पोता हो जाए पड़पोता हो जाए, लेकिन नरसिंह जी महाराज धन और दौलत को नहीं मांगे हो। नरसिंह जी महाराज के हो मोको और कछुना चाहिए जी राधा कृष्ण मिली है के मांगे हो मोको और कछुना भोलेनाथ मैंने और कुछ नहीं चाहिए, मैंने राधा कृष्ण भगवान का दर्शन करा दो। नरसी के करो राधा कृष्ण भगवान के दर्शन का, कोई धन मांग ले दौलत मांग ले नरसी जी का नहीं नहीं मैंने भगवान राधा कृष्ण का आपका दर्शन करा दो। धन नरसी बोति तिहारी हित वर मांगो अति
की भारी। नरसी तेरी मूर्ति बहुत बड़ी है, बहुत भारी है, तैं तो बहुत बड़े वरदान मांग लियो, कोई छोटी चीज नहीं मांगी। क्यों? तो भगवान की भक्ति मांगा तो भगवान मिलेगा, भगवान मिलेगा तो वस्तु की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि वस्तु तो भगवान के अधीन है। तो नरसिंह जी महाराज के मुझे राधा कृष्ण भगवान का दर्शन करा दिया। शंकर भगवान के लगे नरसिंह, शंकर भगवान के लगे नरसिंह, राधा कृष्ण भगवान का दर्शन किया नहीं हुआ, गोलोक धाम में भगवान का दर्शन हुए, बट गोपी गोपी जास में कृष्ण में जाने की आज्ञा नहीं है। बोले नरसी एक बार मैं भी बट गयो। नरसी जी महाराज बात पकड़ ली, बोले अभी तो प्रभु थे के बाद गोपी गोपी जा सके हैं, तो अभी थे तो एक बार मैं गयो। तो सुन नरसी, एक बार राधा कृष्ण भगवान को रास रचो, भगवान को रास रचो, बहुत बड़ो भारी मुरली मनोहर भगवान की मुरली बाजी, अरे बा मुरली पार्वती माता के कान में जिया ही आवाज सुनी, पार्वती की शुद्ध बुद्ध होगी और पार्वती रास गाते जी जोड़ी, तो पार्वती ने नहीं कहो, पार्वती कहो लगी प्रभु एक बार तो दर्शन करने मैं जाऊंगी और बाद में थाने लेके जाऊंगी, ये भगवान मुरली मनोहर की मुरली बाजी, पार्वती माता की शुद्ध बुद्ध होगी। हरी मुरली मनेरो होयो काना, होयो काना,
कि भोलेनाथ थाने दर्शन तो मैं करवा दूंगी राधा कृष्ण भगवान का, लेकिन बठे पुरुष नहीं जा सके, गोपी बन के जानो पड़सी। तो थाने गोपी बन के जानो पड़सी, शंकर भगवान की प्रकार के तो नरसिंह जी महाराज के हो प्रभु, भगवान का दर्शन करना खातर मैं कुछ भी बनने के लिए तैयार हूं, मैंने दर्शन कराते हूं। तो पार्वती माता शंकर भगवान ने कहो कि भोलेनाथ ये पागाम्बर पीताम्बर उतारो और नारी को भेष बनाओ। अब शंकर भगवान के कहो पागाम्बर पीताम्बर उतारा सारा, बाकी तो टिक्का बिंदी लिपस्टिक जो भी लेडीज को श्रृंगार हुआ कर लियो, लेकिन शंकर भगवान शमशान घाट में पग धोना भूल गया।
चलिया गया। पार्वती माता भी जान पौती हो गई। पार्वती माता कह लगी, भोलेनाथ मैं तो रास लीला का अंदर प्रवेश कर जाऊंगी, ये दरवाजे का खड़ा होगी, रास लीला का दर्शन कर लिए। दो बातों को ध्यान रखना है, एक तो बोलना नहीं, एक घूंघट नहीं उठाना। बोलो ठीक है, ये दो काम कर दिया तो पकड़ में आ जाऊंगा। बोलो ठीक है देवी। अब पार्वती माता शंकर भगवान ने बना गए, भगवान राधा कृष्ण का दर्शन करने जा रहा है। तो पार्वती माता भगवान शिव ने दर्शन कराने खातर रास लीला में लेके जा रही है, और की प्रकार गोपी को भेष बनायो है, और की प्रकार रास का दर्शन करने भगवान शंकर और पार्वती माता जा रहा है। एक भजन के माध्यम से दिन हो भोले भंडारी जहो बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। जय हो भोलेनाथ पार्वती माता के हारी, I'm not afraid.
के बीच के हरे गोल में आ गए हैं। आज नई गोपी कौन आई है?
पार्वती माता केवल लागे भोलेनाथ प्रभु आ मेरी सहेली है, आ नई सहेली है, रात का दर्शन करने खातर आई है। ठाकुर जी कहने लगे तेरी सहेली है तो वह श्रृंगार की प्रकार को करके आई है, टीका मिक्का बिंदी लिपस्टिक ये तो सारी लगावे तो पग धोला करना रो श्रृंगार को करने लगी, क्योंकि शंकर भगवान संसार घाट में आया रात में नरड़ा पग पड़िया धोला उठेर बोले वो श्रृंगार मत करना आगी। पार्वती माता हाथ जोड़िया बोले प्रभु जब मैं रास खातर तारी रास लीला की ओर आई तो शंकर भगवान मने बार बार कहो तो मने रास का दर्शन कराओ, रास का दर्शन कराओ। और थारी रास को नियम है कि रास में गोपी बन के आ सके, इस प्रकार ने शंकर भगवान ने गोपी को रूप बनायो और गोपी को रूप बना के थारी रास लीला का दर्शन कराया। शंकर भगवान केवल आ गया ठाकुर जी ने बोले प्रभु आज तेमने दर्शन के खातर गोपी को रूप बनवायो है तो एक दिन थाने भी मेरे दर्शन के खातर गोपी बन के आनो पड़सी, गोपी बन के आनो पड़सी। तो अब भगवान को रास रचन लाग रहे हैं और शंकर भगवान और पार्वती माता ने आज रास का दर्शन कर दियो, टाइम भी हो रहे हैं रास का दर्शन कर दियो और आगे को मार रहे हो बात सुनाऊंगा क्योंकि घर में काम को टाइम भी हो रहे हैं, ज्यादा लेट करो ठीक नहीं। भगवान की आरती कराना, आरती के बाद में सब लोग प्रसाद लेके जाएगा। काल बहुत ही सुंदर कथा है नानी भाई की, हम सभी भगवान की आरती करेंगे उसके बाद सभी प्रसाद लेके अपने अपने निवास स्थान की ओर जाएंगे। कल कथा का यही एक से चार का समय होगा, समय का ध्यान रखते हुए सभी आए और कल बहुत ही सुंदर झांकियों के साथ मायरा सुनाया जाएगा। कल की जो कथा है बहुत ही सुंदर कथा है। कृपूर गोरा करुणावतार संसार सारा बुझगे चंदन का नाम लियो रघुनंदन का चांटा
तो और पंडित जी ने देखना कैसे पूजा करवाएंगे। समय बाबू जी थे ना, आप थे, माता जी नहीं थे ना उसे कहाँ पर ये प्रतिमा ले श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ विष्णवे नमः अर्जित तुर्दी सहसाते हेन्दल पिंगल नामक के समस्त्रे अमुक कायने उत्तराणी अमुक कौले उत्तर कौले अमुक मासोत्तमे मासे आषाढ़ मासे सुबह शुक्ल पक्षे महापार्वण्यम तिथौ हो चतुर्थ्यम उपरांत पंचम्यम तिथौ हो अमुक वासान्विताम गुरु वासान्विताय मत्यामुक गोत्रोत्पन्नोऽहम गोत्रपुत्रो अमुक नामो हम नाम निजो सपत्नी को हम सपरिवारो हम सकुटुम्बो हम मम आत्मने श्रुति स्मृति पुराण उक्त फल प्राप्ति अर्थम सिंह जन्मनि जन्मांतरेवा सकल दुरितोप उप समन अर्थम मम गृहे सुखे शांति विधि अर्थम श्री भोगाजी महाराज देवता मंदिर प्रांगणी प्रतिमा स्थापित देवता नव नूतन पाषाण मूर्ति श्री गोरखनाथ जी महाराज देवता भगवते सांब सदाशिव शिव परिवार गणाधिराज पार्वती माता देवी कार्तिकेय नंदीश्वर सहित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा अंतर्गत एक वास से अनाधि वास सहित यथा संपादित सामग्री सहित अनाधि वास अहम करीषे। ओम जजाग्रतो दोरमुदैति दैवान्तदु सप्तस्य तथैवेति दोरङ्गमं ज्योतिकं ज्योतिरेकान्तं मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु संकल्पसिद्धिरस्तु। मधुजो अपने नाच ले लो पांच मुख ले बने ओम श्री गुरु गोरखनाथाय नमः। वापसी ले और लो आप ले और
ओम भगवते सांब सदाशिवाय नमः। नमो डालो ओम गणाधि राजाय नमः। ओम कार्तिकाय नमः। ओम नंदीश्वराय नमः। नमः एक और दे लो। ओम माता पार्वती देवी नमः। आदि नाद है आपकी इच्छा हो
ਜਿਤਾ ਮਾਇਆ।